हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए स्कॉलरशिप का वीडियो लेकर आ गया हूं। तो अगर आप नेपाल का या इंडिया का स्टूडेंट है तो यही आप सबके लिए ये वीडियो होने वाला है। तो बहुत ही अच्छा है, दो किस्म का स्कॉलरशिप के बारे में मैं बताने वाला हूं, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सो लेट स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो पहले नंबर का लिंक पर जाइएगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो OMI स्कॉलरशिप है जो ये इंडियन स्टूडेंट सब के लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं इनका वेबसाइट ऐसा खुल जाएगा, आपको इंटरफेस ऐसे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे जाइए तो यहाँ पर देख सकते हैं एक जो स्कॉलरशिप है इनका, जो 11 और 12 में अगर आप रनिंग है पढ़ रहे हैं तो उन सब के लिए है। और इसमें सिलेक्शन करने का आइडिया भी बहुत ही आसान ही है और आप ऑनलाइन ही इसमें अप्लाई करके आप स्कॉलरशिप पा सकते हैं और भी आसान है। तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, ये वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर आपका काम नहीं लगने वाला है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उनको भी काम लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इंडियन स्टूडेंट के लिए है, इंडियन नेशनल ओनली होना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेंट मस्ट भी 11 या 12 में आप पढ़ रहे हैं तो ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके बाद एटलीस्ट आपको 70% आपको अगर 10 क्लास में आए हैं तो ही इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, का स्कॉलरशिप आप पा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड रखना है, पासपोर्ट साइज है, वो सब यहाँ पर देख सकते हैं, डिटेल सब है। फादर आपका फैमिली का जो इनकम है वो रखना है, इनकम का सर्टिफिकेट कितना है आपको, जो एक फॉर्मेट होता है बनाकर उस ये सब रख दीजिएगा, वो सब अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर और भी देख सकते हैं कैसा कैसा अप्लाई करना है, तो अप्लाई का भी प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। उससे पहले मैं एक और स्कॉलरशिप है जो इंडियन स्टूडेंट सब के लिए है, MI स्कॉलरशिप, जो अगर आप बैचलर लेवल का आपको अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, अंडरग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज का लिए है। तो इसका यहाँ डेडलाइन भी देख सकते हैं, 28 फरवरी 2021। तो दोनों स्कॉलरशिप का डेडलाइन वही है, सेम ही है, 28 फरवरी 2021 है। तो ऑनलाइन सिलेक्शन भी होगा, ऑनलाइन ही रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। तो फॉर्म अच्छा से भरिएगा, उसी के आधार पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो अच्छा से भरिएगा। तो मैंने जैसे नीचे पर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं ए वाला 12 वाला क्लासेस वाला दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने क्लिक किया नीचे वाला पर तो इंडियन होना चाहिए, वही है, सेम ही है। पर अगर आप बैचलर लेवल का स्कॉलरशिप स्टूडेंट है तो आपको 12 क्लास के जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको 70% से और मार्क आना चाहिए, ऑब्टेंड है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे में BCOM, BBA, BCA, ETC अगर आप बैचलर लेवल में है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो बैचलर लेवल का स्टूडेंट सब के लिए 5800 का स्कॉलरशिप है। तो आप किसी भी सेक्टर का स्टूडेंट है जरूर इसमें अप्लाई करिए, आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा और आप जल्द ही अप्लाई कर पाएंगे। 2-4 मिनट का तो बात है, आप ज़रूर अप्लाई करिए टाइम निकाल कर। और सेम ही यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, वो सब तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं। तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ये सब करिएगा, डालिएगा। उसके बाद यहाँ अप्लाई करने का मैं थोड़ा प्रोसेस बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जस्ट अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो दोनों स्कॉलरशिप का सेम ही प्रोसेस है। आप जौन सा स्टूडेंट है 11-12 का है तो उसमें जाकर अप्लाई करिएगा, बैचलर का है तो इसमें आकर अप्लाई करिएगा। तो यहाँ अप्लाई पर जस्ट सिंपली पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, तो रजिस्टर पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इंडियन कंट्री सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, मेल, उसके बाद पासपोर्ट का आप अपने अनुसार क्रिएट करिएगा। उसके बाद जेंडर, स्टेट, उसके बाद आपको अपना कौन सा क्लास में अभी पढ़ रहे हैं वो अगर डालकर उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद थोड़ा डॉक्यूमेंट सब आपको अपलोड करना पड़ेगा। वो सब डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप ऑनलाइन अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। उसके बाद जो सेकंड स्कॉलरशिप है जो नेपाल का स्टूडेंट सब के लिए है, यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय राजदूतावास काठमांडू नेपाल का वेबसाइट है जो सेकंड नंबर का लिंक है। वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर ऐसे इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट नंबर में ही जो है नोटिस फॉर महात्मा गांधी स्कॉलरशिप एंड गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2020 एंड 2021 का है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पूरे यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है और लास्ट डेट है जो फरवरी 15 का है 2021, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और सारे ऑनलाइन भी आप सबमिट कर सकते हैं, यहाँ पर वेबसाइट दिया है तो यहाँ पर वेबसाइट पर भी क्लिक करके इनका डिटेल ऑनलाइन भी भर सकते हैं, वरना आप
रिटर्न भी लिखकर ऑफिस में जाकर भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर क्राइटेरिया सब दिया हुआ है, अगर आप बैचलर लेवल के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पर बैचलर का क्राइटेरिया अनुसार आपको परसेंटेज सब देखना है, और अगर आप 11 क्लास का स्टूडेंट है 11 12 का, तो उन सब के लिए भी है। तो इन पर मैंने अलग से ही सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ, तो उसका लिंक चाहिए तो आपको वो भी वीडियो देखना है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। 11 12 का स्टूडेंट है तो डिटेल में देख लीजिएगा, आपका 2000 का पर मंथ मिलेगा। अगर आप बैचलर का है तो आपको यहाँ पर क्राइटेरिया सब कुछ दिया हुआ है, वो सब मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। देख सकते हैं जैसे में 70% आपको मार्क होना चाहिए 12 क्लास का बोर्ड एग्जाम में, उसके बाद 2 लाख से कम ही आपको एनुअल इनकम फैमिली का होना चाहिए, ये प्रमाणित करा लेना है आपको वार्ड या म्यूनसिपलिटी से, वो आपको रखना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा सबमिट करने वक्त। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं MBBS और BDS स्टूडेंट है तो आपको 4000 का मंथ मिलेगा पर मंथ का, 5 वर्ष तक मिलेगा आपको। उसके बाद इंजीनियरिंग या BBS का स्टूडेंट है तो आपको 4000 का स्कॉलरशिप मिलेगा पर मंथ, आपको 4 वर्ष तक मिलेगा। तो ये नेपाल स्टूडेंट सब के लिए तो बहुत ही अच्छा है, आपको करीब 2-4 लाख मिल ही जाएगा अगर आप बैचलर लेवल का स्टूडेंट है तो इसमें ज़रूर अप्लाई करिए। पर ये अगर आप नेशनल कॉलेज से है, सरकारी स्कूल से है, तो ही आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं BBA BCom और BCS ETC का है तो 3000 का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा 3 वर्ष तक। तो ऐसे क्राइटेरिया सब है, तो और सब डिटेल आप खुद करिएगा, वरना प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। और यहाँ पर देख सकते हैं वेबसाइट दिया है इनका, वेबसाइट पर क्लिक करके भी और थोड़ा डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इनका डायरेक्ट वेबसाइट पर आ गए, अगर आप बैचलर का स्टूडेंट है मास्टर्स का है इसमें क्लिक करिएगा, और 11-12 का है इसमें तो इसमें मैं क्लिक करके दिखाना चाहूँगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल सब आ गया, क्या क्या क्राइटेरिया सब है वो सब डिटेल आ गया। तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं वरना रिटेन भी। तो लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।